नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएसएड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, सदानंद सिंह और सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। आज सेवा दल का भी स्थापना दिवस मनाया गया। सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम नारायण मंडल ने आवेदक का आवेदन लिया और समस्याओं को भी सुना। सभी समस्याओं को जल्द ही सुलझाने का आश्वासन आवेदकों को मंत्री ने दिया। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे भगवान सिंह कुशवाहा ने आज अपने 1200 समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ली। बिहार प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की उपस्थिति में भगवान सिंह कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा बहुत दिनों से हमसे संपर्क में थे। रालोसपा में रहते हुए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वो खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि के साथ 1200 कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ली। इनके आने से पार्टी मजबूत हुई है। जदयू में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि असली व नकली रालोसपा के लिए अभी लड़ाई चल रही है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ रहे थे तो हमने उन्हें रोका था, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हम विकास के रास्ते पर चलने वाले नीतीश कुमार के साथ आ गए। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे। बता दें कि पूर्व में जदयू कोटे से मंत्री रहे भगवान सिंह कुशवाहा रालोसपा में शामिल हो गए थे, लेकिन रालोसपा के महागठबंधन में शामिल होने से भगवान सिंह कुशवाहा नाराज चल रहे थे। इसके बाद वो जदयू में शामिल हो गए। घर में आज बिजली गई है, जो लोग सपना में भी नहीं सोचता था कि हमारे घर में बिजली जाएगी। चर्चा है गांव में, घरों में चर्चा है, जब 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा आज किसानों की बिजली मिल रही है, घर में रहने वालों को बिजली मिल रही है। इसकी हम लोग को समर्थन करना चाहिए, बल्कि हर मुद्दा पर शिक्षा अभियान भूपेन्द्र जी चलाए, करने वालों की नैतिकता यही है। गलत काम का विरोध कीजिए और सही काम का समर्थन कीजिए। नीतीश जी ने शराबबंदी का ऐलान किया, हम लोगों ने मन से, भारी मन से हम लोगों ने समर्थन किया कि जो गरीब गुर्दे का जुर्म होता था, रोड पर जो जुर्म होता था, ये शराब पी करके नशे में लोग करता था, एक रचनात्मक एक सही कदम है, सामाजिक सुधार के कदम है। दहेज प्रथा को उन्होंने अनुमोदन की चर्चा की, उन्होंने अभियान छेड़ा, हमने नैतिकता में इसका समर्थन किया। और आगे की खबरों के लिए बने रहे एमएसएड न्यूज के साथ। धन्यवाद।